पौड़ी जिले के दूरस्थ थली सैनन ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के नशे में धुत होकर स्कूल आने का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले पर ग्राम प्रधान का कहना है कि यह अध्यापक स्कूल में पिछले लंबे समय से तैनात है और कई बार प्रधानाध्यापक नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग से जल्द ही इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा, प्रधानाध्यापक महीने में गिनती के दिन ही स्कूल आते हैं और जिस दिन भी आते हैं वह नशे में ही रहते हैं और जिसका बच्चों पर बुरा असर पड़ने के साथ साथ ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक को कई बार समझाया लेकिन वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जल्द ही प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले पर मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने कहा है कि इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी को तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं और जांच में शिकायत सही पाए जाने पर उक्त प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।